ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम आपको मेरे चैनल में, और एक मेरी नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं मैं। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कैसे एक मोबाइल फ़ोन को एक वेब कैम बना सकता हूं। मोबाइल फ़ोन को, जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन को वेब कैम बना दूंगा मैं आज आप लोगों के सामने। तो तरीका बहुत आसान है, ये 5 मिनट की वीडियो है, इसमें 5 मिनट में मैं आपको सारा मुकम्मल जो है प्रोसेस जो है वो समझा दूंगा इस चीज़ में आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने चले जाना अपने गूगल वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, इधर आप लोगों ने सर्च करना है ड्रॉइड, ड्रॉइड ये आ गया, ड्रॉइड कैम फॉर पीसी। ओके, तो देखें आपको सबसे पहली जो वेबसाइट मिलती है आपको, आपको इस पे चले जाना है। आप इस पे चले गए, ठीक है, इधर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है इसे। देखिए मेरे पास ये नीचे डाउनलोड हो चुका है, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसको इंस्टॉल कर लूँगा मैं। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में चला जाऊँगा, ठीक है। मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये पहले से ही इंस्टॉल हुआ है, ड्रॉइड एप्लीकेशन के नाम से ये इंस्टॉल है। ये देखें, ये रहा, यस ओके कर देना है। ये मुझे बता रहा है आप लोगों के पास ड्रॉइड पहले से ही इंस्टॉल है, तो इसको आप इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह का आइकन आपके पास शो हो जाएगा। ओके गाइस, तो इससे आगे तरीका मोबाइल पे है, इससे आगे आपको मोबाइल पे मैं बताऊंगा। पहले मैं इसको अपने कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से कनेक्ट कर दूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा। देख सकते हैं ये मोबाइल पे भी कनेक्ट होता है, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, देखिए ये मेरा मोबाइल कैमरा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल कैमरा है जिसके साथ ये कनेक्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ ये आगे किस तरह होगा, पहले मैं इसको स्टॉप कर दूँ यहाँ से। ओके, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाते हैं। ओके गाइस, तो आपने ऐसा करना है, यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर में, ओप्स सॉरी, प्ले स्टोर में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप लिखेंगे एंड्रॉयड ठीक है, तो आपको इसी तरह ही इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, अपने मोबाइल से ओपन कर लेना है। अच्छा जी, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आएगा वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन में आईपी एड्रेस देना है, वही आईपी एड्रेस आपने उठा के यहाँ पे देना है। जैसा मैं देखें आप लोगों को बताता हूँ, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस देने के बाद जैसे ही आप लोग ये आईपी एड्रेस दे देंगे यहाँ पर, तो वो वहाँ से नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और आपका कैमरा खुल जाएगा। ये मेरी आईपी एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आपको कंप्यूटर पर बताता हूँ कि मैंने आईपी एड्रेस किस तरह लगाना है वहाँ पर। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था मैंने आईपी एड्रेस कैसे लगाना है, तो मेरे मोबाइल में जो आईपी एड्रेस था वो ये था। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, इस जगह पे अपना आईपी एड्रेस एंटर कर दिया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही स्टार्ट करूँगा, ये लीजिए कैमरा खोल लिया, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल कैमरा का रिजल्ट थोड़ा सा बेकार है, इस वजह से ये देख रहे हैं, ये देखिए आपको नज़र आ ही रहा होगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।